नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ फहीम खान। आज 25 दिसंबर है और आज क्रिसमस है। हम बताएं कि अभी हम पहुंच चुके हैं महादेवा के चर्च में। इसमें हम आपको बताएं कि हर धर्म के लोग नजर आ रहे हैं और ये एक ऐसा चर्च है जिस चर्च में हर एक जाति धर्म के लोग यहाँ मौजूद होते हैं और इस बड़े दिन का, इस त्यौहार का आनंद उठाते हैं। आपको बताएं कि बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत भी कराएंगे, लेकिन आपको बताएं कि हर साल इस ये एक ऐसा चर्च है जहाँ पे हर धर्म के लोग यहाँ मिलते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और ये यहाँ जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको और आपके टीम को देते हैं और इस क्रिसमस के समय में आप सबको आए, इसके लिए हम आपका स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक ऐसा चर्च है सिवान महादेवा में जिसमें हर एक धर्म के लोग आते हैं, इस पे क्या कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, आज जो सिवान में सबसे बड़ा ये चर्च माना जाता है और आज जो 25 दिसंबर के जो हम लोग मनाते हैं, ये हमारे स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो उद्धार करता है, जो मानव जाति के लिए जो पृथ्वी पर आए उनके पापों से उद्धार देने के लिए, आज उनका हम लोग एक जन्म उत्सव मनाते हैं क्योंकि वो हमारे पापों से उद्धार कराने के लिए इस पृथ्वी पर आए और उनका आना हम मनुष्य जाति को बचाने का एक मकसद था कि हम मृत्यु जो होती है हमारे जीवन में एक कई तरह प्रकार का जो हमारे जीवन में आ जाता है संकट समस्या, तो उससे हम जूझ रहे थे, उससे हमको बचाने के लिए, हमारे पापों से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ और आज उनके जन्म उत्सव हम लोग मनाते हैं बड़ी धूमधाम से और ये पूरा वर्ल्ड मनाती है उनके विषय में आज। चलिए देखिए, कुछ और लोग हम जानना चाहेंगे कि अभी सुबह सुबह है और कुछ देर बाद यहाँ और भी कार्यक्रम होगा, अंदर हॉल में भी कार्यक्रम हो रहा है। कुछ लोग हम जानना चाहेंगे क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है आज यहाँ। जी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, जैसे कि श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता था और भी सुविधाएं मुहैया कराया जाता था। कुछ कारण लॉकडाउन की वजह से नहीं उतना हो पाया है, फिर भी यहाँ पर लोगों का जो भीड़ है, उत्साह है, कम नहीं हुआ है और लोगों ने आया, अपना प्रेम बांटा है, आपस में दिखाया है। इसलिए मैं आपकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ और आए हुए लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और कुछ प्रोग्राम अंदर हुए हैं बच्चों के सीख के लिए, आपसी भाईचारा के लिए, आपस में प्रेम बनाए रखे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी एक प्रेम का संदेश दिया। आज वही संदेश का कारण कि हम सभी 25 दिसंबर को बड़ा दिन कह के इकट्ठा होते हैं और उस प्रेम को बरकरार हम लोग रखते आए हैं और रखते रहेंगे और इस प्रेम को ही प्रभु ने बताया है। तो अंदर भी प्रोग्राम हो रहा है और उसको अभी कंटिन्यू है, आप देख सकते हैं कि जो भी ये प्रोग्राम चल रहा है ये सारा प्रेम की वजह से। कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? जी, ये कुछ 1 बजे के करीब में ख़त्म हो सकता है, मगर जैसे जैसे बच्चे हैं, कुछ लोग गाने गाने के लिए कुछ भी प्रोग्राम अपना लाते हैं, वो हो रहा है। ये एक टाइम लिमिट नहीं है, सीमित नहीं है कि अभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक के मन को देखा जाता है कि जितने लोग आते हैं श्रद्धालु लोग, बहुत सारे प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं और प्रार्थना दुआ करने के लिए आते हैं, तो उनके अनुसार से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ भी जाता है, एक सीमित टाइम नहीं है। तो देखने में अभी थोड़ा सा कुछ देर बाद समाप्त होने की आशा है। चलिए, तो आपको आपको दिखाए हैं कि अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि इधर भी दिखाए, यहाँ पे कैंडल जलाया जा रहा है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आज 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है और यहाँ फिर से आपको बताएं कि हर एक जाति धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, पहुँच रहे हैं और कैंडल जलाया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि और क्या कुछ यहाँ खास प्रोग्राम रखा गया है, शाम होने वाला है थोड़े देरों में, और क्या कुछ प्रोग्राम रखा गया है यहाँ। बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएँ 25 दिसंबर यानी क्रिसमस की आपको। सचमुच ये खुशी का मौका है ही, क्योंकि हमारा दुनिया का उद्धार करता प्रभु यीशु ने ये जगत में आए ताकि हम सबों की पापों को मुक्ति दे सके। बहुत सारा क्रिसमस में लोग आते ही हैं, इस बार खाना के प्रोग्राम नहीं रखा गया क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से खाना का प्रोग्राम नहीं रखा गया, क्योंकि बहुत सारा लोग जुटते हैं और भी बहुत सारा लोग जुटने वाले थे, लेकिन नहीं, इसके लिए हम लोगों ने रोक दिया है कि खाना नहीं होगी, बल्कि प्रोग्राम के नहीं तो इतना में इतना भीड़ हम लोग संभालना मुश्किल हो जाता, इसके लिए हम लोग नहीं कुछ कर पाए, यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ महिलाएं हैं वो भी यहाँ आई हुई हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है।
मैडम, यहाँ आप लोग आई हुई हैं, अभी क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है चर्च में? इनसे मैंने आपको पूरा जानकारी, क्या क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? कार्यक्रम में मोमबत्ती सब जलाएगा, इसके बाद से सब आपस में प्रार्थना दुआ सब करेगा, इसके बाद से डांस उन्स होने वाला है, इसके बाद से और इसके बाद से जो अपना अपना सब जो मन्नत मांगेंगे वो सब के लिए प्रार्थना करेगा सब, अब इनके और इसके बाद से लोग अपना अपना मोमबत्ती जला के दुआ प्रार्थना करके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं महादेवा के ऐसे चर्च में हम मौजूद हैं जो कि एक बड़ी सिवान के सबसे बड़ी चर्च मानी जाती है और यहाँ हर एक धर्म के लोग मौजूद होते हैं, कार्यक्रम हो रहा है और लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस को देखते हुए, लॉकडाउन के बाद इन सब समस्याओं को देखते हुए खाने का प्रोग्राम नहीं रखा गया है, खाने का जो भी यहाँ व्यवस्था होती थी वो चीज़ नहीं है क्योंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि कैंडल जला के प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने सहयोगी कैमरामैन जावेद के साथ, फहीम, न्यूज़ इंडिया तक, सिवान।